नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश संपत एजुकेटर पे। मैं हूँ राशि और आज का हमारा विषय है उभरती तकनीक एवं न्यायपालिका। ये विषय संबंधित है जीएस पेपर 2 के न्यायतंत्र, भारतीय संविधान, न्यायिक समीक्षा, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप से। तो आइए जानते हैं पहले इसके संदर्भ के बारे में। विश्व पिछले 2 दशकों में एक महत्वपूर्ण रूपांतरण से होकर गुजरा है, जिसके पीछे डिजिटलीकरण ने प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया है। नई प्रौद्योगिकियों के आगमन ने बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक सभी क्षेत्रों को हमारे व्यापार करने के तरीके से लेकर सेवाओं की अभिगम्यता तक रूपांतरित कर दिया है। दक्षता में सुधार और अनुभवों को समृद्ध करने की क्षमता के साथ डिजिटलीकरण वर्तमान समय का मूल मंत्र बन गया है। इस संदर्भ में न्यायपालिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने की उल्लेखनीय क्षमता मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उभरती प्रौद्योगिकियां राष्ट्र को सबल बनाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। किसी भी परिवर्तन के साथ हमेशा कुछ चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार क्षमता का लाभ उठाएं, नियंत्रण के साथ जोखिमों को दूर करें और ऐसे समाधान प्रदान करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव को प्रभावित कर सके। तो आइए जानते हैं उभरती प्रौद्योगिकियां न्यायिक प्रणाली को कैसे रूपांतरित कर सकती हैं। सबसे पहले, अदालती कार्यवाही का डिजिटलीकरण। उभरती प्रौद्योगिकियों के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है अदालती कार्यवाही का डिजिटलीकरण। इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का उपयोग कागजी कार्यवाही को कम करने, अभिगम्यता में सुधार लाने और मामलों के कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण उन्हें सुलभ बनाने, पारदर्शिता में सुधार लाने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य देश में न्यायालयों के कार्यकरण को कंप्यूटरीकृत करना और न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाना है। दूसरा है AI और मशीन लर्निंग का उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने और परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीशों ने इस मूल्य की पहचान की है और प्रस्तावित किया है कि न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए AI टूल्स या उपकरणों का प्रवेश कराया जाए। वर्तमान में न्यायालयों ने अपनी प्रणालियों में ऐसे 2 टूल्स का प्रयोग शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास और सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी सुपेस। सुवास आदेशों और निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित करने के लिए AI सक्षम अनुवाद उपकरण है, जबकि सुपेस को AI अनुसंधान सहायक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। अगला है मामलों की ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का उपयोग मामलों को दर्ज करने की प्रक्रिया को तीव्र, अधिक कुशल और लागत प्रभावी बना सकता है। ई फाइलिंग मामलों को दाखिल करने में लगने वाले समय को कम करने, डेटा शुद्धता में सुधार लाने और न्यायालय में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ई फाइलिंग पोर्टल अधिवक्ताओं और वादियों को मामले दर्ज करने और मामले के रिकॉर्ड को ऑनलाइन एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। अगला, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग दूरस्थ सुनवाई में मदद कर सकता है, जिससे अधिवक्ताओं और वादियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना आसान हो जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समय एवं धन की बचत हो सकती है, यात्रा का बोझ कम हो सकता है और सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय न्यायालयों ने आभासी सुनवाई हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना शुरू किया था। अगला, सुरक्षित रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कोर्ट रिकॉर्ड की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। ब्लॉकचेन का उपयोग हेरफेर को रोकने, डेटा की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि कोर्ट रिकॉर्ड सुरक्षित है एवं केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुलभ है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना राज्य भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
अब जानते हैं न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के साथ संबद्ध चुनौतियां कौन सी हैं। सबसे पहले डेटा सुरक्षा। न्यायिक प्रणाली द्वारा एकत्र किए जाने वाले संवेदनशील डेटा की बढ़ती मात्रा के साथ यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस डेटा को सुरक्षित रखा जाए। कोई भी डेटा उल्लंघन न्याय प्रणाली की अखंडता को भंग कर सकता है और जनता के भरोसे को कम कर सकता है। अगला है पक्षपात और भेदभाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां पूर्वाग्रह और भेदभाव को बनाए रख सकती हैं, यदि उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम को सावधानी से डिजाइन नहीं किया गया हो। यह जोखिम भी मौजूद है कि ये प्रौद्योगिकियां न्याय प्रणाली में मौजूदा पूर्वाग्रहों और असमानताओं को और बढ़ा सकती हैं। अगला है समझ की कमी। कई विधिक पेशेवरों में उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं और सीमाओं को पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषता की कमी हो सकती है। इससे इन प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी या अनुचित उपयोग की स्थिति बन सकती है। अगला है गोपनीयता संबंधी चिंताएं। उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग गोपनीयता संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। उदाहरण के लिए चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल लोगों की सहमति के बिना उनकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है और इस बात का जोखिम मौजूद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों या अन्य संगठनों द्वारा इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगला है लागत। उभरती प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन महंगा सिद्ध हो सकता है और न्यायिक प्रणाली के पास इन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए संसाधन की कमी हो सकती है या उन संभावित लाभों को सीमित कर सकता है जो ये प्रौद्योगिकियां न्याय प्रणाली में ला सकती हैं। अगला है नैतिकता का प्रश्न। न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों को लागू करते समय विभिन्न नैतिक विषयों पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्याय कार्य में आवश्यक मानवीय तत्व या विवेक की कमी को लेकर भी एक चिंता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये प्रौद्योगिकियां व्यक्तियों के अधिकारों से समझौता ना करें या न्याय प्रणाली की अखंडता को कमजोर ना करें। अब जानते हैं इस विषय पर आगे की राह क्या है। सबसे पहले नैतिकता का प्रश्न। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के नैतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं और न्यायिक प्रणाली को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग इस तरह से किया जा रहा है जो नैतिक मानकों के अनुरूप हो। अगला, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां डेटा संग्रह पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस डेटा का संग्रहण एवं उपयोग इस प्रकार किया जाए जो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा नियमों के अनुरूप हो। अगला, अभिगम्यता। न्यायिक प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उभरती प्रौद्योगिकियां दिव्यांगजन या प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच रखने वाले लोगों के लिए अभिगम्यता संबंधी बाधाएं पैदा न करें। अगला, पारदर्शिता और जवाबदेही। उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग पारदर्शी होना चाहिए और यह जवाबदेही के अधीन हो ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनका उचित एवं न्यायपूर्ण उपयोग किया जा रहा है। अगला है प्रशिक्षण और शिक्षा। न्यायिक प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित एवं शिक्षित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका प्रभावी एवं उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। धन्यवाद।